चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. वेरी गुड मॉर्निंग. तो इतना बातचीत क्या करते हो आप लोग, ये बताओ मुझे. आप इतने सारे बातचीत, मतलब क्या? देखो जरा, राधे राधे सूरज. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेरी गुड मॉर्निंग पाली, अंकिता, बबीता. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसी चल रही है सबकी प्रिपरेशन, जरा बताओ, जरा देखो, बताओ कैसा चल रहा है आप सबका प्रिपरेशन. जब बातचीत ही होती है या तैयारी भी चल रही है? वॉइस क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? आवाज, सब कुछ, पीपीटी क्लियरली विजिबल है आप लोगों को? स्लो मोशन. अच्छी मैम, नहीं मैम, अच्छी चल रही है. वेरी गुड. ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं. जैसे कि यू ऑल कैन सी, अभी जो है हमारा पेपर वन का क्लास होने वाला है. दैट इज यू एट आईसीटी की क्लास जो चल रही है हमारी, हम उसी को कंटिन्यू करने वाले. वॉइस बहुत कम है. ओह माय गॉड, ये फिर से स्टार्ट. टेल मी नाउ, अब वॉइस ठीक है? अभी वॉइस ठीक है या अभी भी कम? इट फाइन नाउ? मुझे तो लग रहा है सेम क्लियर है. ठीक है अंकिता, आपके साइड वॉइस ठीक है? इज इट फाइन नाउ? ओके चलो ठीक है मैम, बट थोड़ा कम ही है. अभी तो मैं माइक यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ मैनेज ना. ठीक है अभी चलो. माय नेम इज़ निधि साइनी. हम लोग आपको, माय मीन्स आई, मैं आपको पेपर वन के साथ साथ पेपर टू की भी तैयारी कराती हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. तो अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आप सेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कम है मैम, बट हेडफोन, हेडफोन यूज़ कर रही हूँ. या हेडफोन यूज़ कर लो अगर हो जाता है तो, अदरवाइज एक मिनट. क्या मैं एक बार एयरपॉड्स से ट्राई करूँ? एयरपॉड्स लगा के देखूँ, कहीं उससे आपको आवाज़ क्लियर जाए. तो ट्राई करूँ क्या? आप लोग अगर बोलोगे तो मैं एयरपॉड्स से एक बार ट्राई कर लूँ. करना है एयरपोर्ट से भी. ठीक है,
गाइस हेडफोन तो मिल नहीं रहा है, इससे मैनेज हो सकता है आज का क्लास या फिर नहीं? कि वॉइस का मुझे नहीं पता क्यों आप लोगों का कम आता है, क्योंकि मैं जहाँ तक अपने एंड से सुन रही हूँ मुझे तो सभी कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा है, और भी लाउडली सुनाई दे रहा है। ठीक है चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यू ऑल कैन सी अभी का जो हमारा स्टेटस ऑफ ICT एज यू ऑल, तो हम लोग चलो अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है नंबर, तो हमें लास्ट क्लास में हमने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की स्टडी की थी जो इंटरनेट के लिए। अभी जो है हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की स्टडी करेंगे जो इंटरनेट के लिए, मैनेज कर लेंगे। थैंक यू सो मच बबी। तो यहाँ पे यू कैन सी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन। रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट, ठीक है। तो हमने देखा कल लास्ट क्लास में कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स मतलब जैसे कि मॉडम हो, ठीक है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स में हमने पढ़ा मॉडम, ठीक है। मॉडम हो गया, फिर से बताओ किसको किसको याद है, देखो जरा। राउटर हो गया, फिर से एक हो गया दैट इज स्विच, स्विच हो गया है ना। फिर हमने पढ़ा था ब्रिज, ब्रिज पढ़ा था। फिर और भी कुछ याद है क्या ये सब के अलावा? हमने और जो जो कंटिन्यू किया था कुछ पढ़ा था इसके अलावा, और कुछ याद है इसके अलावा? हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके हेल्प से आप इंटरनेट को रन कर सकते हो। मॉडेम हो गया, ब्रिज हो गया, हब, यस वेरी गुड, हब हो गया, स्विच हो गया, एंड रिवाइज नहीं किया क्या किसी ने? कल तो एक भी पेपर वन का क्लास नहीं हुआ, फिर भी इतना स्लो रिस्पॉन्स, क्यों रिवाइज नहीं कर रहे हो आप लोग? तो ब्रिज देखा, रिपीटर भी हो गया, ओके रिपीटर भी लिख देती हूँ, आर ई टी आर, रिपीटर हो गया। गेटवे, वेरी गुड, गेटवे हो गया, एंड गेटवे हो गया, रिपीटर हो गया, ब्रिज हो गया, ओके। तो यस दिस इज ऑल्सो डन, ब्रिज इज ऑल्सो डन, स्विच भी हो गया, राउटर भी हो गया, हब भी हो गया, एंड ये हमने पढ़ा था मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन, ओके मीन्स ऑल इज डन, ऑल इज डन है ना। चलो ठीक है। तो हमने जैसे कि देखा कि इतना सारा मतलब आपको हार्डवेयर डिवाइस चाहिए होता है इंटरनेट को प्रॉपरली रन करने, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं किसका यूज मतलब कौन यूज होगा, मॉड्यूलेटर या फिर डी मॉड्यूलेटर? आंसर मी डी एम ओ डी यू एल ए टी ओ आर, डी मॉड्यूलेटर, या फिर सी पे वो बोलेंगे जिनको लग रहा है दोनों का यूज होगा, और डी पे वो बोलेंगे जिनको लग रहा है कोई भी यूज, ठीक है। एनालॉग से अगर मुझे डिजिटल में ट्रांसलेट करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो मैं किसका हेल्प लूंगी? आपका मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, हाँ सेवन ही था, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, या फिर दोनों? मॉड्यूलेटर, इज इट मॉड्यूलेटर? सूरज, हमने दो शॉर्टकट्स किया था, वन वॉज डी ए डी दैट, वन वॉज एम डी ए, एंड आप देखो यहाँ पे लग रहा है आप लोगों ने क्लास को रिवाइज नहीं किया क्योंकि सभी सेम आंसर दे। मुझे एनालॉग से डिजिटल में जाना है तो मैं डी मॉड्यूलेटर का हेल्प लूंगी ना, हमने डैड का शॉर्टकट किया था, याद आया? और एम डी ए मतलब हमें जब डिजिटल से एनालॉग में जाना होगा, देन वी विल गो विथ मॉड्यूलेटर, ये पढ़ा था ना हमने, मॉड्यूलेटर। क्या हुआ, भूल गए क्या? कल रिवाइज नहीं किया कल किसी ने? यस वेरी गुड श्रिया, वेरी गुड, दैट्स इट, दैट इज डी मॉड्यूलेटर, नहीं डी मॉड्यूलेटर कॉन्फ्रेंस, नहीं हाँ डिजिटल से एनालॉग में, और यहाँ मैंने क्या लिखा था सूरज, एनालॉग से डिजिटल ना, तो आपने भी मॉड्यूलेटर बोला, क्या करते हो? ठीक है अब चलो, अब कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसका आपको रिक्वायरमेंट होता है अपने इंटरनेट को रन करने, ठीक है, इंटरनेट को यूज करने टाइम यू यूज ऑल दीज थिंग्स वेरी फ्रीक्वेंटली। कन्फ्यूज हो गए थे इस वजह से मैंने ये शॉर्टकट्स दिए है ना, दो शॉर्टकट्स आपको याद रखने के लिए बबीता,
इतने इजी इजी क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं करने का है, क्योंकि अगर आप इतने इजी इजी क्वेश्चंस रॉन्ग करोगे तब तो आप फ्री में 2 मार्क्स जाने दे रहे हो, फ्री में आप फ्री में JRF को हाथ से जाने दे रहे हो, राइट? इतने इजी क्वेश्चंस थे ये। सडनली आता है अनकरेक्ट आंसर, यस करेक्ट तो आता है, ठीक है? तो इतना इजी इजी रॉन्ग नहीं करने का, ओके? तो देखो सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? सॉफ्टवेयर मतलब वो हुआ जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या और भी कुछ भी कर सकते हैं क्या, बट हम लोग टच नहीं कर, क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है? बट विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनटैंजिबल, इनटैंजिबल है ना, इनटैंजिबल, राइट? तो ये इनटैंजिबल होता है, जैसे कि कुछ आपके हो गए एप्लीकेशन। अब देखो सबसे फर्स्ट अभी जितना भी मैं बताऊंगी सभी का फुल फॉर्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी का फुल फॉर्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फुल फॉर्म तो भूलना ही नहीं, ठीक है? क्योंकि फुल फॉर्म के बेसिस पे आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ICT का पार्ट है। तो सबसे पहला फुल फॉर्म होगा हमारा HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सभी कोई फुल फॉर्म लिख लीजिए नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये होता क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ फाउंडेशन ऑफ डेटा, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा जब किसी ने कुछ सर्च किया होगा, लाइक कुछ आप अगर सर्च करते हो, लेट सपोज अगर हमने कुछ ICT के बारे में ही सर्च किया, तो यहाँ पे कभी आपने नोटिस किया है यहाँ पे HTTP:// समथिंग समथिंग आता है, या डॉट, अभी आपने नोटिस किया है? तो क्या है, अभी जो HTTP के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज दिस वन ओनली, यस इट्स दिस वन ओनली, ठीक है? देखो HTTP के हेल्प से आप क्या करते हो, वेब ब्राउजर में कुछ एंटर करते हो एंड वेब सर्वर्स आपको वो लाके देते हैं, लाइक इट्स अ टाइप ऑफ URL, URL, ठीक है? इट्स अ टाइप ऑफ URL, ठीक है? जो कि आप वेब ब्राउजर या एड्रेस बार में डालते हो। अब ये एड्रेस बार क्या हो गया, एड्रेस बार, वेट अ मिनट, मैं एक काम करती हूँ आपको ये सब दिखाती हूँ अपने ही स्क्रीन का, आपका स्क्रीनशॉट लेके। वेट, पहले मैं कुछ सर्च करती हूँ, लेट सपोज मैंने सर्च किया सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है? सॉफ्टवेयर के बारे में, ओके दिस इज द वन, ओके नाउ लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्या ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को विजिबल है? इज इट विजिबल गाइस, विजिबल है? देखो अच्छा ये जूम भी हो सकता है, चलो ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज योर HTTP, यहाँ लिखा है ना HTTP, हाँ ये देखो ये लिखा है ना HTTP, कैन यू सी HTTP? ये HTTP ही के बारे में अभी वी आर स्टडिंग, अभी ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं दिस इज द सेम वन, सेम वन, ठीक है? अब देखो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो तो सबसे पहले आपका यही आता है, उसके बाद आपने जो भी सर्च किया दैट विल कंटिन्यू। देखो मैंने सॉफ्टवेयर का सर्च किया था तो यहाँ सॉफ्टवेयर आया है एंड ये जो कुछ भी आता है एड्रेस, ठीक है? तो वही हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट ये एड्रेस बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेब ब्राउजर का एड्रेस बार में आप कुछ इनपुट डालते हो, ठीक है? उसके बाद ब्राउजर वो सेंड करता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सेंड करता है वेबसाइट को, उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, फिर आपको एक वेब पेज खुला हुआ मिलता है, ठीक है? तो एड्रेस बार की अगर बात की जाए, सो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा, हाँ सो देखो ये जो आपका आईज के सामने अभी एक स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया है, ठीक है? ये आप देख सक रहे होंगे, दिस इज योर एड्रेस बार, दिस इज योर व्हाट, एड्रेस बार, दिस इज योर एड्रेस बार, है ना? जहां आपने, आपको क्या चाहिए आपने डाला, ठीक है? एंड उसके हेल्प से आपको, आपको क्या सर्वर रिस्पॉन्ड करते हैं, सर्वर दे गिव यू द रिस्पॉन्स कि हाँ दिस इज योर वेब, आपको ये चाहिए वेब पेज में, ठीक है? तो आपको इसका फिर रिस्पॉन्स मिलता है। किसी को कोई डाउट इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है?
ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज फॉर एक्सेसिंग एंड ट्रांसफरिंग वेब कंटेंट जैसे कि वी आर टेक्स्ट इमेजेस एंड मल्टीमीडिया फाइल, मतलब हम लोग सब कुछ तो देख सकते हैं। अब देखो ये आई मैप क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी लिख लेना इसका फुल फॉर्म आई मैप का, IMAP दैट इज इंटरनेट इंटरनेट मैसेज मैसेज एक्सेस एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, हम ये एड्रेस बार पूरा बॉक्स होगा या HTTP के बाद, नहीं एड्रेस क्या होता है ना सूरज, कि आपने वहाँ पे लिखा आपका एड्रेस, मान लो पता बोलते हैं ना जिसको, तो आपको जो चाहिए आप वो बार को ही हम लोग एड्रेस बार बोलते हैं, एंड वो जो पूरा आपका HTTP वाला आया था ना दैट इज अ URL, वो URL होता है, ठीक है। ओके अब देखो सबसे पहले आप इसका स्टेप्स जान लो क्या होता है, ठीक है। HTTP का मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, HTTP का स्टेप्स क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हो आप लोग, देखो सबसे पहले व्हेन यू टाइप अ URL, ठीक है, इनटू योर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर इट्स लाइक वेब ब्राउजर आपका हो गया क्रोम, क्रोम हो गया, या फिर हो गया आपका जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज ये आपका वेब ब्राउजर हुआ। इसके ऊपर में जो सर्च सर्च बार होता है उसमें आपने कुछ डाला, लाइक आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, ठीक है, तो इसका एक URL क्रिएट होता है। URL जो अभी हमने देखा है HTTP वाला, मैम इज इट नेसेसरी टू राइट द होल फुल फॉर्म, ओनली फुल फॉर्म इज एनफ, या नो नीड टू राइट द होल, मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने, ठीक है। तो देखो पहले आपने क्रोम ओपन किया, सर्च बार में गए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस बार, क्या बोलते हैं, एड्रेस बार, ठीक है। एड्रेस बार में आपने डाला कि यू नीड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू सॉफ्टवेयर, फिर एक URL क्रिएट हुआ जो हमने देखा अभी HTTP वाला एंड डैश 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 समथिंग समथिंग, ये आपका URL क्रिएट हुआ। देखो URL क्रिएट हो गया वेब ब्राउजर में एड्रेस बार में, उसके बाद आपका जो ब्राउजर होता है, लेट सपोज आपने क्रोम के हेल्प से सर्च किया, तो आपका ये ब्राउजर हुआ, आपका ब्राउजर में ना फिर ये रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, आपका ब्राउजर जो है HTTP के हेल्प से रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, किसको, सर्वर को, ठीक है। उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद आपका जो भी रिक्वेस्टेड वेब पेज ना वो आपके आईज के सामने, समझ में आ गया, वो आपके आईज के सामने, क्लियर है, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग कि HTTP इज वाइडली एक्सेसिंग एंड ट्रांसफरिंग वेब फॉर्म, अब किसी को भी चाहिए होता है सब सर्च करते, जैसे हमें ही कुछ चाहिए होता है तो हम लोग डायरेक्ट गूगल ओपन करके सर्च करते, HTTP ज़्यादा यूज होता है यही लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो भी HTTP का हेल्प ले सकते हो, इमेजेस चाहिए तो भी उसका हेल्प लेते हैं हम लोग, मल्टी मीडिया फाइल चाहिए तो भी हम उसका, क्लियर है, कहीं किसी को डाउट तो नहीं, ओके। अब हम लोग देख रहे थे आई मैप क्या होता है, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो हमने यहाँ पे लिखा है इसका फुल फॉर्म लिख लेना। अब देखो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स फ्रॉम अ मेल सर्वर टू क्लाइंट एप्लीकेशन। अब देखो जो मैसेज हुआ, मैसेज लिखा है इसके फुल फॉर्म में, तो इसका कनेक्शन कुछ मैसेज से ही होगा, तो मैं अगर इंटरनेट कनेक्शन पे मैसेज की बात करूँ तो हमारे पास तो सिर्फ एक ईमेल ही है, ईमेल ही है जो हम लोग इंटरनेट के हेल्प से भी रन है ना। तो देखो इसमें भी आपका एक POP होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लो, POP क्या होता है, POP दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये लिख लो, ये आई मैप के अंदर आता है, ठीक है, PROTOCO प्रोटोकॉल, PROTOCO प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लो प्रोटोकॉल, ठीक है। आई मैप से आपको बस ये ध्यान रखना है ईमेल, ईमेल जो आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है ईमेल, ठीक है। जैसे कि आपका पुराने टाइम्स में POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हुआ करता था, तो आई मैप अलाउ करता है यूजर को अपने ईमेल को स्टोर करके रखने का, ठीक है, अपने सर्वर पे आप स्टोर करके रख सकते हो, मल्टीपल डिवाइस में आप अपने ईमेल को मल्टीपल डिवाइस में एक्सेस कर सकते हो, जैसे मेरी अगर बात करो तो मेरी ईमेल्स अभी मेरे मोबाइल पे भी लॉग इन है, मेरे लैपटॉप पे भी लॉग इन है, तो मैं एक साथ दो दो डिवाइस यूज कर रही हूँ ईमेल यूज करने के लिए। तो आई मैप क्या है, आई मैप आपका कुछ अच्छा मीन्स फीचर्स देता है, जैसे कि मैसेज फ्लैग, सर्वर साइड सर्चिंग, एंड ये एक पॉपुलर चॉइस है ईमेल अकाउंट, समझ में आ गया, आई मैप
IMAP समझ में आ गया, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, IMAP इज जस्ट लाइक ईमेल, ठीक है। ईमेल जिसमें आप मैसेज वगैरह करते हो, ईमेल जैसा कि हम लोग आज भी पढ़ेंगे। IMAP के अंदर एक और आता है, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये ट्रेडिशनल वे था, ये ट्रेडिशनल वे था। अभी जैसे कि हमारा सब कुछ चेंज हुआ है, तो वी हैव चेंज दिस टू IMAP, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये SSL क्या होता है, इसका भी फुल फॉर्म इज रिक्वायर्ड, नथिंग मोर। SSL की फुल फॉर्म लिख दे रही हूँ। SSL का फुल फॉर्म इज सिक्योर, सिक्योर सॉकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। अब ये सिक्योर सॉकेट्स लेयर क्या होता है, इट्स अ प्रोटोकॉल डेवलप बाय नेटस्केप नाउ सुपरवाइज, ठीक है। इतना कुछ हम जानना नहीं है, बस ये समझो ये आपका कुछ मान लो जो डेवलपर्स लोग का काम होता है ना, जिसके हेल्प से इंटरनेट कम्युनिकेट कर पाते हैं, सिक्योरिंग कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, ठीक है। दैट इज योर SSL। जैसे कि हम देख सकते हैं वेब ब्राउजर हुआ या वेब सर्वर हुआ, जिसके हेल्प से आप जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल या पर्सनल डिटेल या कोई भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सब कॉन्फिडेंशियल रह सके एज वेल एज प्रोटेक्टेड रह सके, ये किसके हेल्प से पॉसिबल है, ये SSL के हेल्प से पॉसिबल है, जो कि आपका एक सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हेल्प करने में मतलब करने में हेल्प करता है, ईमेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, या फिर कोई भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो ओवर इंटरनेट, तो वो सिक्योर से हो सके, अच्छा प्राइवेसी से हो सके, दैट इज योर SSL, ठीक है। दैट इज योर SSL। ओके ठीक है। ओके तो अभी हम लोग देखेंगे ये TCP/IP क्या होता है। TCP/IP हमने पहले भी देखा है, TCP/IP मतलब फुल फॉर्म तो आप लोगों को याद होना चाहिए अभी भी, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज TCP राइट। एंड IP मतलब क्या, इंटरनेट एड्रेस। IP मतलब क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि ये IP है, IA नहीं है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हम लोग जानते हैं कि TCP/IP के हेल्प से भी आपका ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसके हेल्प से डेटा कैसे ट्रांसफर होता है नेटवर्क में, ठीक है, नेटवर्क में इंक्लूडिंग इंटरनेट, ये सब वही देखते हैं। मतलब दो डिवाइस या फिर डेटा एक्सचेंज कैसे होता है, जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, ये किसका वर्क है, TCP/IP का वर्क है। TCP/IP का फुल फॉर्म TCP का दैट इज ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन नहीं ट्रांसफर, ओके 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 वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, ट्रांसफर, ओके वेरी गुड ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल, ठीक है, जो हैंडल करता है डेटा राउटिंग में पैकेट्स को किधर कहाँ मूव करना है, ठीक है, एज वेल एज इसके हेल्प से आपका जो डेटा पैकेट होता है ये बिटवीन डिवाइसेस ऑर्डरली डिलीवर हो सकता है, ठीक है। ओके नाउ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी ना, IPA कहाँ डेटा को, अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगी ना गाइस कि आप लोग एक काम कर सकते हो कि अपने नोटबुक का एक साइड ऐसे रिजर्व रखो, ठीक है, जहाँ पे आप सारे फुल फॉर्म्स लिखो, सर फुल फॉर्म, ठीक है, जहाँ सिर्फ फुल फॉर्म्स लिखो, एंड जब आपका एक बार रिविजन का टाइम आए ना, तो ये फुल फॉर्म को जरूर एक बार रीड करो, सारे फुल फॉर्म को एक जगह लिखोगे तो इससे ना आपको क्या होगा, TCP हुआ, IP हुआ, FTP हुआ, ठीक है, HTTP हुआ, सारे का फुल फॉर्म आप एक साइड लिख के आप लोग याद कर सको, इसको अलग अलग मत लिखो, ठीक है। ओके नाउ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम समझ सकते हैं, ये आपका फाइल ट्रांसफरिंग का काम करता है बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, है ना। इसमें आपका जो फाइल हम लोग ट्रांसफर करते हैं ओवर द नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कैसे ट्रांसफर करते हैं, पहले अपलोड किया, जैसे अभी NTA का आप लोग फॉर्म भरोगे NTA का, तो NTA को अपना फाइल कैसे ट्रांसफर करोगे, पहले उनके साइट पर यू आर गोइंग टू अपलोड द फाइल, फिर NTA क्या करेंगे, उसे डाउनलोड करके चेक करेंगे या व्यू करके चेक करेंगे, राइट। तो ये क्या हुआ, हमने फाइल शेयर किया, दैट इज द वर्क ऑफ FTP, ठीक है, जो कि आप क्या करते हो, FTP आपको अलाउ करता है यूजर्स को अपलोड करने को, पहले वी विल अपडेट, फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो फ्रॉम रिमोट सर्वर एंड मेकिंग इट वाइडली शेयरिंग इट फाइल, ये याद रखना कि FTP का बस इतना काम है कि आपका जो फाइल होता है वो आप अपलोड कर सको, डाउनलोड कर सको, मतलब ओवर द इंटरनेट यू कैन शेयर योर डेटा, यू कैन शेयर योर फाइल्स विद द अदर पर्सन, ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ FTP, ठीक है। अब देखो ये TFTP क्या होता है, TFTP ये कुछ नया था, यहाँ लिख देती हूँ, TF
पी। तो ये देखो एफटीपी का मतलब तो हम लोग जानते हैं, दैट इज फाइल फाइल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस मच वी नो। अब टी का हम लोग ऐड कर देंगे, दैट इज ट्रिवियल ट्रिवियल फाइल प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल प्रोटोकॉल। अब ट्रिवियल फाइल प्रोटोकॉल क्या है, ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है एफटीपी का, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एफटीपी का एक लाइट वर्जन। जैसे एक होता है ना एप्लीकेशन होता है, उसका दो वर्जन होता है, एक लाइट होता है एक प्रो वर्जन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफटीपी इज प्रो एंड टीएफटीपी इज लाइट वर्जन, वाइट वर्जन है उसका, जिसमें आपका डेटा ही ट्रांसफर होता है, मतलब फाइल ही ट्रांसफर होता है, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ राउटर स्विच नेटवर्क अटैच स्टोरेज। NAS का फुल फॉर्म लिख लेंगे, NAS का फुल फॉर्म दैट इज नेटवर्क अटैच स्टोरेज। जैसे कि FTP TFTP डजंट रिक्वायर्ड एनी ऑथेंटिकेशन, कोई ऑथेंटिकेशन का जरूरत नहीं है, बस आप इसमें क्या करते हो डेटा ना ट्रांसफर करते, यही समझ। अब देख लो ये SMTP क्या होता है, SMTP। अब देखो इसमें हम लोग टीपी का मतलब जानते हैं, टीपी का मतलब हमारा है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम लाइट वर्जन, अच्छा। तो एम का मतलब देखो क्या होता है, एम इज मैसेज, एम इज मैसेज एंड एस इज सिंपल। कितना इजी था इसका फुल फॉर्म देखा, सिंपल। अच्छा एम इज मेल, ओ सिंपल मेल ट्रांसफर, दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें जरूर कुछ मेल का ही इन्वॉल्वमेंट होगा, लेट्स सी दिस। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड राउटिंग ईमेल मैसेज ओवर द इंटरनेट। मेल तो सेंड कर लिया, बट उसका जाना किधर है, उसको रास्ता कौन बताएगा, दैट इज द वर्क ऑफ SMTP। ठीक है, ये आपको रूल्स प्रोसीजर्स बताता है टू ट्रांसफर द ईमेल मैसेज बिटवीन मेल सर्वर एंड ईमेल क्लाइंट। मतलब मैंने अगर मेल भेजा है रिया को, ठीक है, तो रिया के सिस्टम तक मेल कैसे पहुंचेगा एंड वो राउटिंग क्या होगा उसका, वो कौन बताएगा, SMTP बताएंगे। SMTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग, डिलीवरिंग का काम किसका होता है, विश मास्टर का होता है। आउट गोइंग ईमेल, आउट गोइंग मतलब मेरे सिस्टम से जो मेल जा रहा है, सेंडर के ईमेल से जो जा रहा है, ठीक है। और रिसिपिएंट जो कि रिया होंगी, रिया के मेल सर्वर तक पहुंचा, इसका काम होगा SMTP का फुल फॉर्म होगा, आई मीन काम होगा, जहां पे आपका प्राइमरी प्रोटोकॉल्स के हेल्प से आप सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो ईमेल मैसेज को ओवर द इंटरनेट, ठीक है। अब देखो एक नया और आ गया HTML। HTML आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, दैट इज हाइपर हाइपर टेक्स्ट Hypertext Markup Language, ठीक है। अब ये Hypertext Markup Language क्या होता है, इट इज यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ वेब पेज बाई यूजिंग अ सिस्टम टैग्स एट्रीब्यूट सच एज टेक्स्ट इमेजेस लिंक्स। HTML अलाउ करता है वेब डेवलपर को, तो क्या ये इसका कनेक्शन कोई वेब डेवलपर से है, यस दिस इज अ वर्क ऑफ वेब डेवलपर। वेब डेवलपर क्या करते हैं, कुछ आपका लिंक वगैरह वेब पेज क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, राइट। विद द हेल्प ऑफ HTML दे क्रिएट इंटरैक्टिव विजुअलिंग वेब पेज। जो आप लोग वेब पेज देख पाते हो ना, वेब पेज मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो मैंने सर्च किया NTA के बारे में, तो NTA का एक वेब पेज होता है ना, वो किसने डेवलप किया होगा, जरूर किसी डेवलपर ने डेवलप किया होगा। तो ये किसके हेल्प से पॉसिबल है, ये HTML के हेल्प, ठीक है। जहाँ पे आप लोग हाइपर टेक्स्ट लिंक क्रिएट करते हो और अदर्स उस पेज को व्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक। हमें एक लिंक दिया जाता है ना कि आप इस लिंक को ओपन करोगे तो आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जाओगे, हाँ इसी का यूज करके वेबसाइट का पेज क्रिएट होता है, यस डेफिनेट। वेब डेवलपर्स इसी का हेल्प लेके आपका वेबसाइट का पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ओके समझ में आ रहा है सभी को, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने जैसे कि देखा पिछले एक तो पेज हम लोग NTA का हिस्सा, ठीक है। तो दिस इज अ वेब पेज ऑफ NTA, जैसे कि यू कैन सी। तो मैं क्या करूँगी, मैं बस इसको कॉपी कर लूँगी, मैंने ये मान लो पेज क्रिएट किया है, ठीक है, एज अ डेवलपर मैंने ये पेज क्रिएट किया है। तो मेरे लिए इसका वेब लिंक क्या होगा, मतलब मैं इसे कैसे आप तक पहुँचाऊँगी, मैं क्या करूँगी, अगर ये नया पेज क्रिएट हुआ है तो कैन यू सी दिस वन, ये वाला, ये NTA, ये वाला, ये हुआ आपका हाइपर लिंक, क्या हुआ
हाइपर लिंक जिसको आई एम गोइंग टू शेयर इट विद माई स्टूडेंट्स एंड मेरे स्टूडेंट्स इसको ओपन करके दे कैन एक्सेस द वेब पेज को वो देख सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, ओके, क्लोज दिस। ठीक है, कहीं किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना आप लोग सभी को। ये HTML क्या है? HTML का भी फुल फॉर्म लिख लो, HTML। हम लोग ML का फुल फॉर्म जानते हैं क्योंकि हमें HTML का याद है, दैट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे भी मार्कअप लैंग्वेज लिख लेती हूँ। अब हमें SG का फुल फॉर्म थोड़ा नहीं याद है तो इसको हम लोग कर लेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज ये आपका मेटा लैंग्वेज होता है। तो मार्कअप लैंग्वेज लाइक डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है, ये भी आपका डेवलपर्स के ही वर्क का काम होता है, तो हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फुल फॉर्म याद रख लेंगे। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा चुका है। URL क्या होता है? URL मैंने अभी आपको दिखाया, URL इज यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेट मी राइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पता है इसका क्वेश्चन कैसे दिया था NTA ने? इस लोकेटर की जगह कभी लोकेशन लिख देते थे, कभी कुछ और लिख देते थे, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपका एक एड्रेस होता है, ये आपका एड्रेस होता है जो आपका रिसोर्स इंटरनेट पे कौन सा रिसोर्स कहाँ पे अवेलेबल है, डेटा जैसे कि HTTPS जो हमने अभी देखा वो होता है URL। ठीक है, जैसे कि यू कैन सी, तो हिंदी तो आगे हम लोग का, ठीक है। तो ये URL क्या होता है? URL आपका इंटरनेट में उपयोग किया जाता है जिसके हेल्प से आप HTTPS, HTTP इसके हेल्प से, ये होस्ट नेम होता है, ये होस्ट नेम, डोमेन नेम, ये हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। बस आप अभी आप ना इसका फुल फॉर्म लिख लो, URL मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब URL के हेल्प से कोई भी यूजर। मैम तब तो URL एंड HTTP दोनों सेम हो गया, दोनों ही एड्रेस ही है ना? नहीं, दोनों एड्रेस कैसे हुआ? URL के हेल्प से। एड्रेस किसको बोलते हैं आप, ये नहीं समझ रहे? बस देखो, एड्रेस इज दैट बॉक्स, वो आपका एड्रेस बार है जहाँ पे यू आर गोइंग टू टाइप, आप टाइप करने वाले हो। यहाँ पे जो भी आएगा टाइप करने के बाद, दिस इज योर URL। ठीक है, तो URL के हेल्प से कोई भी यूजर कोई भी वेब पेज को एक्सेस कर सकता है, कोई भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जो एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिसोर्स को बताता है। क्लियर है? लेट मी नो कहीं किसी को कुछ डाउट है तो। ओके, अभी हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाना, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सॉफ्टवेयर में हमारा कितना कितना नया टर्म आया हमने सीखा। सबसे पहले तो हमने सीखा HTTP। HTTP के साथ भी लिख लो आप SMLP। ठीक है, SMLP समझ आ गया। HTTP, URL भी हमने अभी पढ़ा, इसके साथ साथ क्या पढ़ा, FTP भी पढ़ा, उसके बाद एक और पढ़ा था, दैट वॉज TFT, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और याद करो क्या क्या पढ़ा है हमने, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, और क्या क्या था, इतना पढ़ा हमने, और भी कुछ कुछ था, आई नीड यू ऑल टू रिमेम्बर, ये बताओ। गाइस इतना हार्ड था क्या याद रखना? कोई नोट डाउन नहीं कर रहे थे? SQL पढ़ा था, SQL, HTML पढ़ा था, HTML, अच्छा HTML, HTML, एक मेल का पढ़ा था हमने, याद है, IMAP, इसके साथ एक और पढ़ा था POP, याद आया? हाँ, HTML, yes, ये था, POP पढ़ा था हमने, SSL पढ़ा था, SSL, ओके, SSL लिख दे रही हूँ, और STMP बोला किसी ने? STMP, ठीक है, STMP जो कि एक मेल का ही काम था, IP, yes, very good,
टीसीपी एंड आईपी, वेरी गुड, एसएसएल, ओके दैट्स डन। तो इतना ये सब का फुल फॉर्म आप याद रख लोगे, फुल फॉर्म इज वेरी 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 वेरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फुल फॉर्म के बेसिस पे आप 2 मार्क्स बहुत ही इजीली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, टीएफटी, एफटीपी, टीसीपी, आईपी, एसएसएल एंड, हाँ हो गया, इतना ही था, ठीक है, इतना ही था, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इतना कुछ तो हमने देखा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की नॉलेज हमने ली, जिसके हेल्प से आप अपने इंटरनेट को रन कर सकते हो, राइट। एसटीएमपी नहीं, एसएमटीपी, एसएमटी, अच्छा ऐसा है क्या, ओके ठीक है। एसएमटी का पी का फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब कर लेते हैं हम लोग आगे की पढ़ाई। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिख लिया आपने, कर देना मुझे, बस पानी लेके आती हूँ। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यस वेरी गुड, दैट्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेरी गुड। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, हार्डवेयर जान लिए, सॉफ्टवेयर जान लिए, बट इसके अलावा भी कुछ कुछ होता है जिसके हेल्प से आप इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन यूज कर लेते हो। ठीक है, जिसके हेल्प से यू कैन यूज योर इंटरनेट कनेक्शन। थिंग इज दैट, फर्स्ट वन इज डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या होता है? एक टेलीफोन लाइन के जैसा होता है, जिसके हेल्प से आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में ट्रांसफर कर सकते हो, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे डैड का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कि डायल अप कनेक्शन के हेल्प से, डायल अप कनेक्शन होता है, इसके हेल्प से यू कैन ट्रांसफर द डिजिटल कनेक्शन, डिजिटल जो सिग्नल होता है ना, उसको एनालॉग में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि ये टेलीफोन लाइन होगी, टेलीफोन लाइन, ठीक है, जो कि एक डिजिटल फोन सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, बट उसमें भी इंटरनेट ही चाहिए होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने जब राउटर लगवाया था ना, तो दैट भैया ही सेड कि आपको एक फोन भी मिलेगा जिससे यू कैन टॉक, जिससे यू कैन टॉक। तो उसमें अल्टीमेटली किसका यूज होने वाला था? इंटरनेट का यूज होने वाला था, ठीक है, दैट इज अ टेलीफोन लाइन, जिससे मैं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में ट्रांसफर, वी कैन डू दैट। एक केबल टीवी कनेक्शन होता है, अभी तो सभी के घर में टीवी होता है, तो टीवी में भी आप आराम से इंटरनेट कनेक्शन लगा सकते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ केबल मॉडम यू कैन डू दैट, एंड यू कैन वॉच वॉट एवर यू वॉन्ट। इनफैक्ट अभी तो टीवी में भी वाईटी हम देख सकते हैं, एंड हमारा सब कुछ चल सकता है, राइट। तो आप इंटरनेट के हेल्प से ये पॉसिबल हुआ, अपने टीवी में भी आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते। नेक्स्ट इज डीएसएल, डीएसएल का फुल फॉर्म लिख लेना, एंड यहाँ पे डायल अप कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दैट इज डीएसएल। तो अभी हम लोग कुछ अदर डिवाइस पर आए, इसमें और एक फुल फॉर्म ऐड कर लो, दैट इज डीएसएल, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या है ये? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब देखो ये क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है ना, ये भी आपका कॉपर टेलीफोन लाइन होता है, जस्ट लाइक ए एस डी एल एंड एस डी एस एल, जो आपको अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बैंडविथ में हेल्प करता है। अब ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है, मैं दिखाऊं कि आपको अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है, वेट अ मिनट। इसी में शायद आता है, ये अपलोड हो गया, अपलोड इज ओनली अपस्ट्रीम, अपलोड इज अपस्ट्रीम एंड डाउनलोड इज डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो यू कैन सी, ये जो यहाँ अपलोड एंड एमबीपीएस ये जो आ रहा है ना, दिस इज ओनली अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, समझ में आ रहा है। हम डायल अप अगेन, अच्छा डायल अप क्या होता है ना बबीता, देखो जैसे कि टेलीफोन लाइन होता है, आपको, आप जब राउटर लगवाओगे ना घर पे, या फिर आप यूज अगर कर रहे होंगे, तो आपको ना इस राउटर के साथ साथ एक टेलीफोन लाइन दी जाती है,
ठीक है, टेलीफोन लाइन जो कि इंटरनेट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है, उसमें डिजिटल सिग्नल को आप एनालॉग में कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ डायल अप कनेक्शन, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है तब। समझ गए बबीता? ठीक है, ठीक है, डायल अप कनेक्शन इज दैट वन। डायल अप कनेक्शन का अगर हम लोग फोटो अगर देखना चाहे तो वेट, डायल अप कनेक्शन ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये जो है, ठीक है, ये आपका एक फोन जैसा होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, आपका ये बातचीत। अभी क्या होता है, हमारे फोन में सिम कार्ड्स है, इस वजह से वी कैन टॉक, है ना, बट ये वाली जो होती है ना, इसमें आपके पास अगर इंटरनेट एक्सेस होगा ना, इंटरनेट कनेक्शन होगा, देन यू कैन कनेक्ट विद द कनेक्ट विद एवरीवन। देखो, डायल अप इज इंटरनेट एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटेट ऑफ पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बाय डायलिंग अ टेलीफोन नंबर। आप टेलीफोन नंबर डायल कर सकते हो टेलीफोन लाइन पे, ठीक है, एंड उसके बाद यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन, ठीक है। ऑडियो सिग्नल्स को आपके ऑडियो सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है, डीकोड किया जाता है, ठीक है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है, दैट्स इट, ठीक है, ओके। बस आप ये लिख सकते हो इसमें, डायल अप कनेक्शन इज जस्ट लाइक अ टेलीफोन लाइन। सैटेलाइट कनेक्शन सभी को पता होगा, सैटेलाइट जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जैसे आपको टीवी में पहले क्या होता था, टीवी में आपका डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्शन आता था, राइट, सिग्नल देता था ना, सिग्नल आपका जो सिग्नल वाली टीवी हुआ करता था, दैट इज ओनली पॉसिबल विद द सैटेलाइट कनेक्शन। ये ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ तो हम लोग सभी जानते हैं, ये एक वायरलेस डेटा एक्सचेंज होता है, इससे हम लोग डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस में ही हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस या वाइड डिस्टेंस में नहीं हो सकता है। अगर आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हो, सपोज आई एम एंड बबीता इज यूजिंग द ब्लूटूथ, मेरे ब्लूटूथ से आपका बबीता के फोन में कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये आपका शॉर्ट होना चाहिए, तभी जाके यू कैन कम्प्यूट इट, जैसे कि कंप्यूटर में भी होता है, सेल फोन। ब्रॉडबैंड, वी ऑल नो ब्रॉडबैंड जो है ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, देन डायल अप, ठीक है, DSL के अकॉर्डिंग आप मॉडेम के हेल्प से आप जो है इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। छत पर खड़े रहते थे, अच्छा, कुछ एडिशनल पॉइंट देख लो। वायर्ड एथरनेट क्या होता है, इट्स अ ISDN जो प्रोवाइड करता है हाई स्पीड डिजिटल इंटरनेट एक्सेस, और कनेक्शन स्पीड जो होता है ये हमेशा ही किसमें मेजर होता है, KBPS, ये लिख लेंगे सभी कोई, कि जो भी कनेक्शन स्पीड होता है वो किसमें मेजर होता है, KBPS पर सेकेंड एंड MBPS पर सेकेंड, MBPS। अभी आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, मैंने जो ओकला टेस्ट किया था अभी, ठीक है, इसमें जो मेजरमेंट आ रही थी ना मेरी नेटवर्क की, दैट वाज इन KBPS एंड MBPS, किसी ने ध्यान दिया था क्या? वेट लेट मी शो यू, ये देखो क्या लिखा है, ये MBPS, MBPS दैट इज मेगाबाइट पर सेकंड, क्या है इसका मतलब, दैट इज मेगाबाइट पर सेकंड, देखो इट्स रिटन हियर मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। और KBPS की बात की जाए तो KBPS नहीं, ये आपका MBPS में ही होता है, हाँ MBPS, ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे कि आपका जो कनेक्शन का स्पीड का मेजरमेंट होता है ना, स्पीड को आप मेजर कर सकते हो, दैट विल बी डन इन KBPS एंड इन MBPS, KBPS एंड इन MBPS। होम यूजर्स ऑफन हैव ब्रॉडबैंड कनेक्शन, डेफिनेटली हमारे पास जैसे कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही होता है, जो जनरली 2 Mbps से 8 Mbps तक जाता है, तो इससे काफी ज्यादा था, चलो ठीक है कोई नहीं, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कहीं किसी को कुछ डाउट अगर है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। क्लियर है? रेस्ट, बबीता, अंकिता, रिया, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, DSL, ADSL, ब्रॉडबैंड, और क्या क्या पढ़ा, ब्लूटूथ एंड व्हाट, याद करो जल्दी जल्दी, टीवी कनेक्शन के हेल्प से भी, ठीक है, एंड Satellite, anything else?
ट्रांसफर, हाँ डायल अप, केबल टीवी, डीसीएल, डीएसएल लिख लिया, ब्लूटूथ लिख लिया, सैटेलाइट कनेक्शन लिख लिया, ब्रॉडबैंड भी लिख लिया। अच्छा इतना ही पढ़ाया हमने, ठीक है सैटेलाइट कनेक्शन ओके। अब हम लोग नया स्टार्ट करेंगे, दैट इज डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, ठीक है इसको सभी कोई लिख लेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ये डब्ल्यू डब्ल्यू थ्री नहीं है, वो जो करते हैं ना मारपीट वाली जो एक होती है वो नहीं है ये, ठीक है ये डब्ल्यू 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 है जिसका कनेक्शन किससे है, जिसका कनेक्शन है इंटरनेट से, आईसीटी से। किससे कनेक्शन है इसका, आईसीटी से, इंटरनेट से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको दिया किसने, ये टर्म किसने प्रोवाइड किया, ये देख लो, ये जो टर्म है ये प्रोवाइड किया है टिम बर्नर्स ली, ठीक है आप यहाँ लिख सकते हो किसने प्रोवाइड किया है, टिम बी ई आर एन ई आर एस ली। अब ये कौन थे, ये थे एक ब्रिटिशर, कौन थे, एक ब्रिटिश थे, ब्रिटिश, ठीक है ये एक ब्रिटिश थे, टिम बर्नर्स ली, ठीक है आप लिख सकते हो टिम ली भी लिख सकते हो, बर्नर्स ली। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, कब, 1989 में, अली दादा एंड अंडरटेकर। तो ये जरूर से लिख लेना ये कब आया था, ये कॉन्सेप्ट आया था आपका 1983 में। कब आया था, WWW कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1989 में, ठीक है 1989 में टिम ने प्रोवाइड किया था, दैट वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। इन्होंने वर्क किया था सर्न पे, दैट इज CERN। तो अब यहाँ पे भी लिख लो एक और एडिशन या आपका फॉर्मूला का, CERN क्या होता है देखते हैं हम लोग, दैट इज काउंसिल यूरोपियन पोर ला रिसर्च न्यूक्लाइड। नहीं इतना फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इतना भी टफ नहीं किया जाएगा। तो सर्न आपका स्टैब्लिश हुआ था सेप्टेम्बर में, September 29, कब हुआ था, September 29, 1954, it's a re-owned as the world largest practice physics laboratory, ठीक है। तो टिम ने जो ये invention किया था, that was accessed across the global, that is WW के help से, आप कुछ भी access कर सकते हो, like जो आपका internet होता है, communication, research, entertainment, commerce, कनेक्टिंग पीपल एंड रिसोर्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, कहीं से कोई भी कुछ भी कनेक्ट कर सकता है अगर उनको कुछ भी सर्च करना होगा तो। अब जैसे कि मान लो मुझे सर्च करना होगा गूगल के बारे में कुछ भी, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, डब्ल्यू 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 करके, ठीक है ये देखो आ गया, कैन यू सी दिस, होगा आई होप, क्योंकि इसका स्क्रीन शॉट मैं लिखूँ, ये देखो इतना कुछ आ गया ना। तो ये डब्ल्यू 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 क्या है, ये टिम ने प्रोवाइड किया, किसने प्रोवाइड किया, टिम ने प्रोवाइड किया, ठीक है। कौन थे वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और ये कब आया था, 1989 में, कब आया था, 1989 में, कब, 1989 में। तो याद रख लेंगे, देखो गूगल का हुआ, व्हाट्सएप का हुआ, यूट्यूब का हुआ, कुछ भी मुझे सर्च करना है तो आगे मैं डब्ल्यू 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 लगा के आई कैन डू दैट। इंस्टाग्राम भी है यहाँ पे, ओ माय गॉड, देखो है ना, सब कर सकते, ठीक है ना। मूविंग अहेड, ये हमने देखा, अब अभी के टाइम में ये जो है डब्ल्यू 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज आपकी एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट करता है, इंटरेक्शन जो आपका डिजिटल टाइम्स के साथ बहुत ही ईजी कर देता है। अब चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे, तो ये एक क्रूशियल कॉम्पोनेंट है इंटरनेट का। क्रूशियल कॉम्पोनेंट क्यों है, क्योंकि हमें अगर कुछ सर्च करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म, दिस डब्ल्यू 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 वी कैन डू दैट। अब ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, ग्राफिक हुआ, टेक्स्ट हुआ, अगर मुझे क्रिएट करना है ऑनलाइन कुछ भी हुआ, आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, द वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर है सभी को, कहीं किसी को कुछ डाउट तो नहीं आज आप लोगों को, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ओके। सो इट इज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ इंटरनेट, डेफिनेटली आपका इसके हेल्प से कोई भी कुछ भी आप सर्च कर सकते, ठीक है ओके, दिस इज डन। ये इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण घटक है जो व्यापक ऑनलाइन अनुभव बनाने के लिए ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स टेक्स्ट को सहजता से एकत्रित करता है, ठीक है। यह अनिवार्य रूप से इंटरनेट का एक उपसमूह है जिसमें दुनिया भर के सर्वरों पर होस्ट किए गए दस्तावेज और अनुप्रयोगों का एक विशाल संग्रह शामिल है। WWW की स्थापना किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था, जो कि आपके ब्रिटिश के वैज्ञानिक है जिन्होंने 1989 में सर्न, इतना याद रखना कि सर्न का हेल्प आपका टिम ने लिया था फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर मैम,
मैम समझ में आ गया, बहुत तो कंफ्यूज एनटीए चाहता क्या है, कंप्यूटर इंजीनियर या टीचर। अच्छा ठीक है, तो ये पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं वेब ब्राउजर क्या होता है, इतना कंप्लीट है। इसके हेल्प से आप शॉर्ट में लिख सकते हो। शॉर्ट में ये लिख लो कि वेदर ये आपका पॉपुलरली यूज्ड होता है, पॉपुलरली यूज्ड इन सर्चिंग एनी रिसोर्स, एनी। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो www.google.com। ठीक है, नहीं तो अगर किसी को इंस्टाग्राम पसंद है तो ये भी लिख सकते हैं INSTAGRA.com। देखो अभी तक तो हमने क्या किया है, अभी हमने इसका मीनिंग जाना कि ये क्या होता है। अभी आगे में ये भी जानेंगे कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं एंड इस पार्ट को क्या, आगे ये भी जानेंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है, एनी आइडिया कि वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप जो सर्च करते हो ना विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इसके लिए आपका वेब ब्राउजर ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वेब ब्राउजर मतलब क्या हो गया, वेब ब्राउजर मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे कि हमने मॉर्निंग में पढ़ा था। वेब ब्राउजर इज अ एप्लीकेशन, इज अ एप्लीकेशन, इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब क्या हुआ, आपके फोन में होगा एक गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, और आपके अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आपके लैपटॉप में होगा माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, हाँ क्रोम, फायरफॉक्स, वेरी गुड, फायरफॉक्स है ना। और एक होता था ना दैट इज ओपेरा, ओपेरा मिनी और समथिंग लाइक दैट, ओपेरा मिनी है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दीज ऑल आर वेब ब्राउजर। क्या है ये वेब ब्राउजर है। ब्राउजर मतलब, ब्राउजर मतलब क्या लिखा है, हम लोग ब्राउज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो मतलब ये सारे क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ, जिसको कोई भी वेब पेज हुआ, जिसको हमें सर्च करना है, चेक करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ये ब्राउजर्स के हेल्प से हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब इसमें बुकमार्क क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, टैब्ड ब्राउजिंग क्या होती है, तो लेट मी हेल्प यू विद ऑल ऑफ दी। आई होप ये विजिबल होगा। अच्छा मैं ना इसका स्क्रीनशॉट नहीं, क्योंकि हट जा रहा है। क्या यह कॉर्नर में आप लोगों को विजिबल है, लाइक हिस्ट्री हो गया, डाउनलोड्स हो गया एंड एवरीथिंग, इज इट विजिबल? देखो ये सब आपका किसमें पॉसिबल है, ये सब आपका विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर पॉसिबल है। आप ब्राउजर में जाके आप अपने फोन पे भी जाके चेक कर सकते हो। कॉर्नर में तीन डॉट आएगा, ये डॉट में आप देख सकते हो, यहाँ पे हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में आप जहाँ सब कुछ चेक कर सकते हो, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। बुकमार्क भी होता है, बुकमार्क मतलब लेट सपोज कि मुझे ना ये पेज को बुकमार्क करके रखना है, सो दैट ये नेक्स्ट टाइम मैं इसे डायरेक्टली ओपन कर, तो मैं डायरेक्ट उसको बुकमार्क कर लूंगी, सो दैट मैं जैसे ही सिस्टम ओपन करूँ मुझे इधर उधर जाना ना पड़े, डायरेक्ट मैं इसी पेज पर आऊँ। ठीक है, सो दीज ऑल आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे हमारा सेवरल वेब ब्राउजर होता है, अलग अलग वेब ब्राउजर अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी इतना सारा वेब ब्राउजर हमारे पास अवेलेबल है। सभी का अलग अलग फीचर है, सभी का अलग अलग कैपेबिलिटीज है, एंड सम ऑफ द वेब ब्राउजर इंक्लूड इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो किसने प्रोवाइड किया, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपका अर्लीएस्ट वेब ब्राउजर है एंड सबसे ज्यादा यूज होता था पास्ट में, पास्ट में। ठीक है, पास्ट में हिस्ट्री जिसको हम लोग डिलीट करते हैं ताकि कोई देख ना ले, बुकमार्क वो है जो हम सेव करके रखते हैं फ्यूचर। वेरी गुड, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं इग्नोर नहीं कर, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑप्शंस दे रही हूँ, इंटरनेट ये सब तो लिखा ही है। ठीक है, तो मैं काम कर रही हूँ, इसमें आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, आप मुझे बताना कि कौन सा करेक्ट आंसर है। दिस इज ए बी सी डी, और एक ऐड कर रही हूँ दैट इज सफारी, सफारी। ठीक है, सफारी, तो प्लीज लेट मी नो कि इसमें से कौन कौन सा आपका वेब ब्राउजर है या फिर ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव। नहीं एक मिनट, ये तो आपको पता ही है कि ये सारा है ही,
ये सारा तो है ही, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। दिस इज योर ए ऑप्शन, दिस इज योर बी ऑप्शन एंड दिस इज योर सी ऑप्शन। अब बताओ मुझे कौन सा सही आंसर होगा, क्या सारे ही वेब ब्राउजर है या फिर सफारी वेब ब्राउजर नहीं है या फिर ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। SAFARI, सफारी। नाउ प्लीज आंसर। बहुत ज्यादा पढ़ाना। अभी मुझे बताओ क्या सभी आपके वेब ब्राउजर है, क्या एवरी मतलब जो भी आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी एंड इंक्लूडिंग सफारी, ऑल इज वेब ब्राउजर या फिर सिर्फ ए इज वेब ब्राउजर या फिर सिर्फ बी इज? सफारी एप्पल का है नाम। यस, सफारी एप्पल का, मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आपको ना एक बार एग्जाम में ना लिख के आया था कि क्या सफारी भी वेब ब्राउजर है, तो यस सफारी इज ऑल्सो अ वेब ब्राउजर, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। सफारी जो है ये आपका एप्पल दैट इज मैक डिवाइस में प्रोवाइड किया जाता है, एप्पल के डिवाइस में, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखो ये मोजिला फायरफॉक्स ऑल ऑफ सभी जानते हैं, ये हमारा ओपन सोर्स है वेब ब्राउजर का, जो डेवलप किया था किसने, मोजिला फाउंडेशन ने। ये आपका इसमें भी अलग अलग फीचर है, सिक्योरिटी है, ठीक है, एड ऑन इकोसिस्टम, ठीक है। ओपेरा भी हम लोग देख लेंगे, ओपेरा भी आपका एक वेब ब्राउजर है जो कि ओपेरा सॉफ्टवेयर ने बिल्ड किया है। ये आपका इसमें भी अलग अलग वीपीएन फंक्शंस एंड ऑल, बैटरी सेविंग मोडिंग, ये सब भी है, इतना हमें पढ़ना नहीं है। सफारी, सफारी से कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, सफारी भी एक वेब ब्राउजर है जो कि किसने डेवलप किया, एप्पल इंक ने, एप्पल इंक ने किया है। ये आपका ब्राउजर है जो मैक ओएस और आईओएस डिवाइस में यूज होता है, दैट मींस आपके हाई फाई लोग है ना, जो आपको फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, एप्पल इंक के द्वारा प्रोवाइड किया है, ये बस जान लो। अब देखो, अब मुझे एक बात बताना, ये मैं एक और लिख रही हूँ, ये लिनक्स क्या है, लिनक्स, लिनक्स क्या है, कोई मुझे बता सकता है, ये लिनक्स क्या है, लिनक्स? देखो यहाँ पे क्या है, अभी ब्राउजर का अलग अलग प्लेटफॉर्म हमने देखा, दैट इज विंडो, मैक ओएस एंड लिनक्स एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि लिनक्स भी आपका वेब ब्राउजर ही है, नहीं, लिनक्स आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है, लिनक्स आपका वेब ब्राउजर नहीं है। लेट मी राइट दिस विद अ डिफरेंट पेन सो दैट आपको, देखो जहां तक कि मैं बात करूँ आपकी, आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, SOFT, माइक्रोसॉफ्ट, और हो गया मैक ओएस, मैक ओएस, वैसे ही एक लिनक्स भी होता है, क्या होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना मैम, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, सफारी अमीर लोग के चोचले है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं गाइस, ये आपका क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे विंडोज हुआ, मैक ओएस हुआ, वैसे लिनक्स हुआ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये आपके ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अपने नोटबुक में ऐसे लिख लेंगे कि ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके हेल्प से आपका सिस्टम वर्क करता है। जैसे अभी मैं क्या बोलूंगी, आई एम यूजिंग एचपी सिस्टम, मैं एचपी का सिस्टम यूज कर रही हूँ, तो वो किसका है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। अब जैसे कि बबीता बोलेंगी मेरे पास एप्पल का डिवाइस है, तो एप्पल का डिवाइस किसका है, मैक ओएस का है, वैसे ही एक लिनक्स होता है, लिनक्स सॉफ्टवेयर नहीं है वो, ठीक है, लिनक्स आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में एचपी, एचपी, ठीक है, मैक ओएस में आपका एप्पल का हो गया, एप्पल का हो गया, वैसे ही एक लिनक्स भी है, ठीक है, लिनक्स में आपका हाई सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी में आई थिंक सबसे ज्यादा है ये। एम कलर चेंज, ओके, ठीक कि तीन ठो नाम लिख लो आप लोग, ठीक है, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो होना एग्जाम में। सबसे पहले कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा, मैक ओएस, मैक ओएस, और एक हो गया लिनक्स। अगर ये तीनों नाम दिया है, ठीक है, ये तीनों नाम दिया है, तो दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके हेल्प से आपका सिस्टम चलता है, चलता है, ठीक है, ओके। अगर आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा जाएगा तो ये तीनों नाम ही आप आंसर करोगे, और अगर मान लो ये सारा नाम दे दिया और उसमें एक लिनक्स मिक्स कर दिया तो फिर आप लिनक्स पे टिक नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका डिवाइस जैसे कि एचपी का होता है लैपटॉप, एचपी का होता है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का होता है आपका सर्विसेज। एप्पल की अगर मैं बात करूं तो एप्पल जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज मैक ओएस, और सिक्योरिटी में एक हाई का होता है, हाई सिक्योरिटी, दैट इज लिनक्स। लिनक्स का एक बार हम लोग सर्च करके भी देख लें, LINUX,
देखो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सूट्स योर डिवाइस, ठीक है। इसमें आपका उबंटू, सेंट ओएस, डेबियन, फेडोरा, स्लैकवेयर, मिंट एंड मोर, ठीक है। इतना हमें नहीं जानना है, बस ये जान लो लिनक्स भी आपका एक ओपन सोर्स, इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्स्ट रिलीज हुआ था, इतना में बस इतना ही। अभी तक किसी सिस्टम ने देखा ही नहीं मैम लिनक्स, अमीर लोगों, अच्छा मैक चल रहा है नॉर्मल लोग, एंड माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स चला कौन रहा है, किसको चाहिए इतना सिक्योरिटी। अच्छा ठीक है, तो हमने देखा कि ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि iOS, एंड्रॉइड हो गया, जहाँ पे यूजर ब्राउज करते हैं अलग अलग अपने प्रेफरेंस, परफॉर्मेंस, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और वेब ब्राउजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। वेब ब्राउजर के हेल्प से इंटरनेट में जो भी अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, वी कैन एक्सेस। समझ में आ गया, ये हिंदी पार्ट है, यू कैन रीड इट आउट। अब देखो ये सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन की अगर बात करूं, तो सर्च इंजन इज वर्ल्ड वाइड वेब। सर्च इंजन क्या है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज योर सर्च इंजन। क्या है वो, सर्च इंजन है। जैसे कि सर्च इंजन में क्या आ सकता है आपका, गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो, डक डक गो। हाँ अभी कुछ बचा हुआ है बबीता, आपको इंस्टीट्यूट जाना था ना, आप जा सकते हो। रिकॉर्डिंग जरूर कवर कर लेना, रिकॉर्डिंग से जरूर कवर कर लेना। कितना बच गया, 10-11 हो गया, कोई नहीं। हाँ तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सर्च इंजन की अगर मैं बात करूँ, सर्च इंजन मतलब ये समझो जहाँ हम लोग कुछ सर्च कर सकते, क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते, ठीक है। तो आपका हो गया गूगल, गूगल पे आई कैन सर्च, मैंने अभी जैसे कि आपको सर्च करके दिखाया। याहू पे सर्च कर सकते, बिंग पे वी कैन सर्च, डक डक गो पे वी कैन सर्च। तो ये सारा नाम लिख लेना आप लोग सर्च इंजन में, जिसका अपना डेटाबेस होता है और वेब पेज होता है, जहाँ पे आप यूआरएल के हेल्प से, यूआरएल के हेल्प से डेटा को सर्च कर सकते, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब का हेल्प से आपको रिजल्ट को डिस्प्ले कर पाते हैं। और वेब ब्राउजर की अगर मैं बात करूँ, तो वेब ब्राउजर तो हो गया आपका मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, इसमें आप, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग से देख, ठीक है। और इसमें आप सफारी भी लिख लो, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो सको वेब ब्राउजर में। और जो भी एडिशनल नेम लाइक एज हो गया, ठीक है, फायरफॉक्स तो दिखाई है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब नाम। थैंक यू सो मच बबीता फॉर योर टाइम। तो वेब ब्राउजर में आप क्या करते हो, वेब ब्राउजर को तब यूज करते हो जब आप इंफॉर्मेशन को, वेब पेज को व्यू करना, ठीक है। तो वेब पेज ये आपका डिस्प्ले करता है करंट यूआरएल जो भी अवेलेबल है सर्वर पे, और जिसके हेल्प से आप डेटा को हेल्प देख पा रहे हो। इसमें कोई भी आपका डेटा बेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें आपका कुकीज और कैश मेमोरी स्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो आप लोग ब्राउजर एंड सर्च इंजन के बीच में डिफरेंस। ब्राउजर जो होता है ये आपका हुआ लाइक आपका हो गया, यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया। अच्छा, ये जरूर लिख लेना कि वेब ब्राउजर एग्जिस्ट कर सकता है सर्च इंजन के बगैर भी, वेब ब्राउजर हो सकता है ना। लेट सपोज अभी आपके मोबाइल में एक होगा गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम, ठीक है, जिसको आप लोग यूज करते होंगे कुछ भी सर्च करने के, ठीक है, सर्च करने के। अब मैं अपनी लैपटॉप की बात करूँ, तो मेरे लैपटॉप में क्या क्या है मैं बता रही हूँ। एक हो गया क्रोम, गूगल क्रोम है, एक हो गया एज, एज भी हो गया, और एक हो गया फायरफॉक्स नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी नहीं है, लेकिन एक ओपेरा है शायद, ओपेरा है, ठीक है। तो ये तीन आपके क्या है, वेब ब्राउजर है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मैं हमेशा क्रोम पे कुछ चीज सर्च करती हूँ, ठीक है, कुछ चीज सर्च पे हमेशा क्रोम पे सर्च करती हूँ, तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि ये दोनों जो है, ये दोनों भी एग्जिस्ट कर रहे हैं सर्च किए बिना भी, सर्च किए बिना भी। मतलब आई कैन से जो यहाँ पे लिखा है कि वेब ब्राउजर, वेब वेब ब्राउजर कैन एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्टिंग मोड पे है ना, दोनों मेरे सिस्टम पे है ना अभी, कैन एग्जिस्ट विदाउट सर्च इंजन, विदाउट, विदाउट क्या लिखा है, विदाउट अ सर्च इंजन, अ सर्च इंजन, समझ में आया, सर्च इंजन इट कैन बी देयर। तो वेब ब्राउजर जो है ये आपके सिस्टम में हो सकता है, आप यूज करो या ना करो, आपका सिस्टम में होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा, तो ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेना कि वेब ब्राउजर कैन एग्जिस्ट विदाउट अ सर्च इंजन एज वेल, लेकिन
सर्चिंग इंजन क्या वेब ब्राउजर के बिना हो सकता है? नहीं, सर्चिंग इंजन जो है ये आपको चाहिए होता है वेब ब्राउजर में, सो दैट आप अपने डिस्प्ले रिजल्ट को देख सको, ठीक है। सर्च इंजन जो है ये आपका एक वेब पेज होता है, ठीक है। एंड ब्राउजर जो होता है ये आपका ब्राउज होता है, ब्राउजर मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन जिसके हेल्प से आप हर कुछ को एक्सेस कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। और सर्च इंजन ये आपका जो मैंने हम भी आपको दिखाया, ठीक है। तो यहाँ आप ब्राउजर और सर्च इंजन का बीच में भी डिफरेंस देख सकते हो। ब्राउजर क्या हुआ, दैट इज अ सॉफ्टवेयर, है हाँ। ब्राउजर क्या हुआ, ब्राउजर इंजन हुआ, दैट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे कि www। और सर्च इंजन क्या हुआ, सर्च इंजन जो हो गया जिसमें आप सर्च करते हो, दैट इज www। मैम मतलब निक नेम एप्लीकेशन कोई भी है बट स्पेस लेना है, ओके। इट अलाउ एक्सेस और डिस्प्ले द वेबसाइट, ठीक है। आपका इसमें सर्च करते हो, फिल्टर करते हो वेबसाइट को। ये आपका वेब ब्राउजर की बात करूं तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है आपके डिवाइस में, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपका रन करते हो, मतलब अब जैसे कि ये वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, मैं जब तक यहाँ पे www ना लिखूं क्या ये अपने से ये लिखा सकता है? नहीं ना। लेकिन फिर भी आपका मोबाइल, आपका डिवाइस में एज इज देयर ना, एज इज देयर ना, तो ये आपका जरूरत होता है तभी आप इसे सर्च करते हो। आपको जब जरूरत हुआ, लेट सपोज मुझे गूगल का जरूरत हुआ, तब मैंने गूगल को सर्च किया, गूगल को सर्च किया। लेकिन अब जैसे कि मुझे अब क्रोम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर भी वो डिवाइस में इंस्टॉल है ना। तो आप ब्राउजर का एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये आपका ब्राउजर का एग्जाम्पल है। एंड मैं बात करूँ अगर आपका सर्च इंजन का, तो सर्च इंजन में गूगल जो अभी हमने देखा, बिंग, याहू, ask.com एंड सम एग्जाम्पल्स आर देयर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सर्च इंजन का थोड़ा और देख लेते हैं। सर्च इंजन जो है ये एक टूल है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे डेटा फाइंड कर सकते हो। सर्च इंजन के हेल्प से आप अपने इंटरनेट पे, इंटरनेट के हेल्प से आप इंफॉर्मेशन या डेटा फाइंड कर सकते हो बाई एंटरिंग सम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मैंने एंटर किया था www, ठीक है। तो ये आपका डेटा को स्कैन करता है और आपको एक रेलेवेंट वेबसाइट पे ले जाता है जिसके हेल्प से आपकी हेल्प हो पाए। कुछ एग्जाम्पल लिख लो सर्च इंजन का, दैट इज गूगल, बिंग एंड याहू, ठीक है। VOIP इसका फुल फॉर्म जरूर लिखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। VOIP दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन कौन इतने लेजी हो चुके हैं अभी तक कि अभी ना कुछ टाइप करना नहीं चाहते, अगर कुछ चाहिए होता है ना इंटरनेट पे तो सिंपली गो ऑन दैट माइक बटन। यहाँ पे होगा कहीं, हाँ मैं देख लूँ जरा, हाँ एक होता है आपका माइक बटन, माइक बटन है ना, माइक बटन जिसपे आप क्लिक करोगे ना तो आप जो भी बोलो वो ऑटोमेटिकली सब टाइप होते हैं। लाइक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका इंटरनेट टेलीफोनी होता है जिसके हेल्प से आप वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हो इंटरनेट के साथ इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फोन लाइन्स। ये आपके सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर करता है, जैसे कि स्काइपी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम ये आपका यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ डोमेन नेम की, तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको नीचे, तो डोमेन नेम है ना, डोमेन नेम ये हमेशा ही यूनिक होता है, लिख लेना सभी कोई। डोमेन नेम, डोमेन नेम जैसे किसी से मैच नहीं हो सकता, ये हमेशा यूनिक होता है, यूनिक, यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो ये आपका इंटरनेट और साइट पे या वेबसाइट पे, ठीक है, कुछ अगर आपको सर्च करना है तो आपको हेल्प करता है। मैम यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या हुआ, डोमेन नेम इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर इंटरनेट साइट। अब जैसे कि देख लो मेरा, अगर मुझे चाहिए गूगल तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी www.google, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं जब गूगल सर्च करूंगी तो मुझे सिर्फ गूगल का ही रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ये यूनिक आइडेंटिफायर हुआ। ये लिखना है डोमेन नेम का, लिख लो बस अंकिता, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है नोट्स पेज पे, कि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसके हेल्प से आप किसी भी दो सिमिलर चीज में डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें डॉट्स के हेल्प से भी डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हो, डॉट के हेल्प से भी, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ। डोमेन नेम सर्वर अल्फाबेटिकली एड्रेस में, मीन्स अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक सूफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है, एक सूफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है। सूफिक्स और प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूँ तो प्री मतलब क्या होता है, पहले, और सूफिक्स मतलब क्या हो जाएगा फिर, बाद में, ठीक
है, प्री मतलब क्या हुआ, पहले, बिफोर, ठीक है, एंड सुफिक्स मतलब हो गया आफ्टर। तो व्हाट अबाउट दिस बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट क्या कहा गया मैम? तो बीच वाला पार्ट को अभी मैं बताऊंगी आपको। देखो फॉर एग्जाम्पल डोमेन नेम क्या हुआ, example.com, example.com। तो ये एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे ना तो ये आपका डोमेन नेम होगा जिसमें आप देख सकते हो डॉट कॉम हो गया एंड अदर कॉमन टॉप लेवल डॉट कॉम इज डॉट ओ आर जी डॉट एन ई टी हो गया डॉट यू के डॉट जे पी। अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी ना मैं कुछ सर्च करती हूँ। लेट्स सपोज मैं सर्च किया यू जी सी के, ठीक है, तो हाँ यू जी सी के बारे में सर्च किया, तो इसका मैं स्क्रीन शॉट ले लेती हूँ पहले। हाँ यू सी दिस, Can you say this? तो इसमें ना, इसमें देख रहे हो यहाँ डॉट कॉम लिखा है, डॉट कॉम। तो ये डॉट कॉम क्या है, ये आपका डोमेन नेम है। क्या है ये आपका डोमेन नेम है, क्या है डॉट कॉम इज योर डोमेन नेम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये क्या है आपका, ये है आपका डोमेन नेम। वैसे देखो अगर लिख दिया डॉट जे पी तो ये किसको इंडिकेट करता है, जापान को इंडिकेट, इसको जापान की ये जो वेबसाइट है दैट इज ऑफ जापान। अगर लिख दिया डॉट ई डी यू तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है एडुकेशन को, किसको, एडुकेशन को। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है डोमेन नेम किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, एडुकेशन को। वैसे मैं लिख दूं अगर डॉट इन, डॉट इन तो ये इसका मतलब क्या होता है, अभी हम लोग देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, ये तो देख लिया हमने, यहाँ देखो ये हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये आपका स्टार्टिंग में लगा है तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अभी मैंने बताया प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो आपका स्टार्टिंग में लगा होता है, दैट इज https, दैट इज योर प्रीफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो इस www की बात करूं तो ये www क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर, दिस इज योर सब डोमेन। क्या हो गया ये हो गया आपका सब डोमेन, क्या हो गया सब डोमेन। और एक्चुअल डोमेन क्या होगा, एक्चुअल डोमेन इज दिस वन, दिस इज योर डोमेन नेम, जैसे कि हमने ऑलरेडी ऊपर में लिख रखा है डोमेन नेम। समझ में आ रहा है सभी को, यस नो कुछ बोलेंगे। और ये डॉट कॉम जो है ये इसका एक्सटेंशन है, डोमेन नेम का ही ये एक्सटेंशन है, ये दिस पार्ट इज एक्सटेंशन जो आपको बताता है कि एक्चुअली दिस डेटा इज कॉमन फॉर एवरीवन और नॉट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये आप एड्रेस को लिख सकते हो, दिस इज योर प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स मतलब जो बिगिनिंग में लगता है, सुफिक्स मतलब जो एंड में लगता है, दैट इज हेयर। यहाँ पे अगर मैं सुफिक्स की बात करूँ तो ये जो एक्स्ट्रा ये सब लगा है ना, दिस इज योर सुफिक्स, दिस इज योर सुफिक्स, ठीक है। अब देखो आगे मैं अगर जाऊँ तो इस www, दिस इज योर सब डोमेन, मैजिक से लेकर वर्क होस्ट तक एंड डॉट कॉम तक भी आप लिख सकते हो, ये डोमेन नेम हुआ। और ये जो डॉट कॉम है दिस इज अ एक्सटेंशन। गाइस मुझे कोई बताएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, इन क्या होगा, मैं बता रही हूँ अभी क्या होगा। आज सब रिकॉर्डिंग देखने लगता है, लग रहा है। अभी देखो कहाँ गया, हाँ वी वर डूइंग दिस। ये देखो डॉट कॉम मतलब क्या होता है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ईडीयू मतलब क्या होता है, एडुकेशन इंस्टीट्यूशन। जीओवी अगर लगा दिया तो वो गवर्नमेंट का साइट हो गया। गवर्नमेंट का कोई साइट को आज सर्च कर ले क्या, गवर्नमेंट का कोई साइट बताओ ना मुझे। हाँ ये आ गया, ये गवर्नमेंट का साइट है, india.government.gov.in, ये गवर्नमेंट का साइट है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको, कैसे पता चलेगा ये गवर्नमेंट का साइट है या नहीं, ये देखो ये दिख रहा है क्या लगा है इनके एंड में, इनके एंड में लगा है g.gov.in, जो क्या आइडेंटिफाई करता है कि दिस इज अ साइट ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया, हाँ मैसेज अभी आ रहा है, समझ में आया।
दिस इज अ साइट ऑफ गवर्नमेंट, तो GOV लिखा है, मतलब ये गवर्नमेंट का साइट है। किसका साइट है? गवर्नमेंट का साइट। समझ में आया? अब मैं आगे और दिखाती हूँ आपको, वेट अ मिनट, एजुकेशन साइट को दिखाती हूँ। ये यूडीमी, ओके, यूडीमी का कॉमन साइट। अच्छा ठीक है, आप बस इतना जानो, अगर .edu लिख के एक्सटेंशन कर दिया, मतलब वो कोई एजुकेशन है, .gov करके अगर कोई एक्सटेंशन कर दिया, मतलब वो गवर्नमेंट का साइट है, .mil कर दिया, मतलब वो मिलिट्री का साइट है, .net कर दिया तो वो गेटवे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट है, .org कर दिया मतलब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं ना इसके साथ साथ आपको कुछ और एडिशनल नेम्स बता दे रही हूँ, अपने नोटबुक में लिख लो और उसको याद कर लो, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपसे पूछ लिया गया कि हाँ आपका इस एक्सटेंशन का क्या नेम होता है, सो आप आंसर करना, ठीक है। अगर है .au तो वो किसका है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर है .cn, cn तो वो किसका है? चाइना, चाइना, ठीक है। अगर लिख दिया .de तो ये किसका है? जर्मनी, किसका है? जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी। अगर लिख दिया .us तो ये किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अगर लिख दिया गया है .jp तो ये हो गया जापान, ठीक है। अगर लिख दिया गया .in दैट इज ऑफ इंडिया, इंडिया, ओके। अगर लिखा गया जेपी हो गया, यूके हो गया, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो इसको लिख लेंगे सभी को, ये एक्सटेंशन है, ये सब है क्या? ये सब आपके एक्सटेंशन है। व्हाट इज ऑल दिस? ये सब आपके एक्सटेंशन है, क्या है? एक्सटेंशन है, डोमेन नेम का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। जैसे अगर मैं बोलूं, अभी मैं आपको एक बार और बता दे रही, जैसे कि मैंने लिखा HTTP और मैंने किया /www, let's write software.com, ठीक है। तो इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वी कैन दिस इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है ना, और साथ ही साथ ये पूरा आपका, ये पूरा क्या है? दिस इज होल इज नोन एज URL, दिस होल इज नोन एज URL, हाँ IN India होगा मैम, यस IN India ही लिखा है ना, IN India, okay, this whole is known as URL, and agar main baat karu yahan se lekar this part tak, yahan tak, theek hai, so this is known as domain name, domain name, ab ye domain name mein, what is .com, .com is domain name ka extension, this is extension of domain name, extension of domain name, theek hai, okay, and this is the from software, software to software, yahan pe aur bhi kuch kuch hota hai, but humne example diya. This is known as second level domain name. Second level domain name. ठीक है, second level domain name. ठीक है, इसको हम लोग second level domain. And इस extension को हम लोग बोल सकते हैं top level domain name. ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कहीं doubt नहीं होगा? है? आप लोग इसको बना लेना. अच्छा, एक point और लिख लो. हमेशा ही तो अपलोड स्पीड है, अपलोड स्पीड जो मैंने आपको ओकला से करके अभी दिखाया, अपलोड स्पीड इज ऑलवेज लेस देन डाउनलोड स्पीड, लेस देन डाउनलोड स्पीड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डाउनलोड हमारा फास्ट फास्ट होता है, लेकिन जब अपलोड करो ना, अपलोड विल बी स्लो, तो अपलोड स्पीड हमेशा ही कम होता है डाउनलोड स्पीड। एज वेल एज एक बात और लिख लो कि वेब ब्राउजर की अगर मैं बात करूँ, वेब ब्राउजर मतलब क्या क्या हो गया आपका? हो गया गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, ठीक है, आपका हो गया सफारी, इन सब की अगर बात करूँ ना, तो इनके पास दे डू नॉट हैव देयर ओन डेटा, दे डू नॉट हैव देयर ओन डेटा, ठीक है, ये सब लिख लेंगे, देयर ओन डेटा। मतलब अगर हम लोग क्रोम में कुछ सर्च करें, नहीं मैम डाउट कैसे होगा, पूरा दिमाग घूम गया, इतना है एक चीज सर्च करने में, इतना कुछ होता है,
देखो अगर हम लोग बात करें गूगल क्रोम के अनाउ, तो गूगल क्रोम के पास ना अपना खुद का कुछ डेटा नहीं होता है, ठीक है। आप उसमें सर्च करोगे तो वो दूसरा दूसरा अगर आपको दिखाएंगे, जैसे कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अपना ना कुछ सर्च करती हूँ। लेट सपोज मैं सर्च करती हूँ नितिन सैनी क्लासेस ऑन यूट्यूब, तो मेरा नहीं आ रहा है। एक सर्च किया था मैंने कुछ कंप्यूटर, अच्छा छोड़ो इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने निधि साइनी का नाम से सर्च किया तो आपको किसका रिस्पांस दिखा रहे, निधि साइनी का दिखा रहे है ना, निधि साइनी का है ना। तो ये सब आपका यूट्यूब का रिस्पॉन्स को दिखाया जा रहा है, यूट्यूब के रिस्पॉन्स, राइट, यूट्यूब के रिस्पॉन्स को दिखाया जा रहा है। तो ये वाला ये देखो, ये तो ये मेरे डेटा को शो किया जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये मेरा जब कॉलेज में थी तब भी का टाइम का ये है, ठीक है। सो दिस इज वन। तो ये किसके डेटा को शो कर रहे हैं, ये दूसरे के डेटा को शो करते हो जो आप सर्च करते हो। मैम निधि साइनी 99 लिखिए आएगा, निधि साइनी, नहीं तो ठीक है कोई नहीं। अब मुझे बस यही दिखाना था आपको कि जब भी आप वेब ब्राउजर में कुछ भी सर्च करोगे ना, तो आपको वेब ब्राउजर का अपना डेटा नहीं होता है, वो जस्ट उनका वो दूसरे के डेटा को आपको शो करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक सभी को सब कुछ, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड अप करेंगे क्लास को, क्योंकि बहुत सारा पार्ट बचा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है, ये एक यूनिक नंबर होता है, आइडेंटिफायर, जिसके हेल्प से कंप्यूटर या डिवाइस जो भी कनेक्टेड है इंटरनेट से ये पता लग पाता है। ये हमेशा ही 4 सेट में होता है, 4 सेट में, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, समझ में आ गया। ये हमेशा ही 4 सेट का होता है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, जिसमें 3 डिजिट होते हैं जो सेपरेट किए जाते हैं डॉट्स के हेल्प से, डॉट के हेल्प से। थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। देखो कंप्यूटर पे इंटरनेट आर प्राइमरीली रेफर्ड बाई एनी ऑफ द मेमोरेबल डोमेन नेम, जैसे कि ये डोमेन नेम मैंने डाला, इसका आईपी एड्रेस के हेल्प से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। आईपी एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा कम्युनिकेशन में, जो कि डिवाइस के बीच में आपके डेटाज एक्सचेंज होते हैं। तो आईपी एड्रेस इज वेरी एसेंशियल फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। आईपी एड्रेस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। ये देखो ये जैसे कि ये आपका एक नंबर हुआ, 4 सेट है, 1, 2, 3, 4, तो मतलब ये आईपी एड्रेस का पहला क्राइटेरिया तो कंप्लीट कर रहा है कि 4 सेट है। अब देखते हैं इसमें क्या आपका 3 3 सेट है, 3 2 3 1, हाँ ये भी आपका आईपी एड्रेस है। 3 3 सेट जरूरी ना नहीं हो के भी अगर एक सेट भी है तो चलेगा, ठीक है। दिस इज योर आईपी एड्रेस। नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इसमें सारे डिजिट्स आपके 255 के अंदर में है। सो लेट अस सी, ये 255 के अंदर है, 255 के अंदर है, 255 के अंदर है, 255 के अंदर है, मतलब ये आपका एक करेक्ट आईपी एड्रेस है। मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बारे में हम लोग जानते हैं, मैक एड्रेस इज लेयर 2 एड्रेस एंड आईपी एड्रेस इज लेयर 3 एड्रेस, लेयर 3 एड्रेस। मैक एड्रेस क्या आइडेंटिफाई करता है, आपका नेटवर्क डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, और आईपी एड्रेस आपके इंटरनेट कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। मैक एड्रेस जो होता है इट इज ऑफ 6 पेयर्स सेपरेटेड बाई हाइफंस एंड इसमें 12 डिजिट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन जो आईपी एड्रेस जो होता है इसमें 4 डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा 32 बिट्स, ठीक है। और IPv6, IPv4, IPv6 का हमने ऑलरेडी डिफरेंस कर रखा है, सो यू कैन रीड दिस आउट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड, लेकिन आईपी एड्रेस कैन बी चेंज, आईपी एड्रेस कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम, ठीक है। मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं और आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैक एड्रेस ना, जब आपका डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है तभी आपको मैक एड्रेस दिया जाता है, और आईपी एड्रेस जो है ये आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये होम पेज क्या होता है, लेट्स सी। होम पेज मतलब हुआ, मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो ये जो आप अभी देखोगे राइट,
ये जैसे कि आपने ये साइट देखा, ये साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज। होम पेज जहाँ पे, होम पेज पे हमें सारा इंफॉर्मेशन पता लग सके कि हाँ किधर से किधर जाने से हमें क्या मिल सकता है, किस साइट हमें क्या मिलेगा। जैसे कि इफ अगर आई विल सी यहाँ पे समथिंग एल्स इज हेयर, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ से आप चाहो तो अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज को अपना जूम इन जूम आउट कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, मेन कंटेंट पे जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि यू कैन सी कि ये आपका एक होम पेज हुआ। तो होम पेज मतलब ये आपका मेन पेज होता है वेबसाइट का। होम पेज दिस इज अ मेन पेज ऑफ वेबसाइट, है ना, जो आपको बताता है कि आपको जाना कहाँ है। जैसे बुक में आपका एक टाइटल पेज होता है एज वेल एज एक कंटेंट पेज भी होता है। सेम इसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन, साइट लिंक और दूसरा पेज सब कुछ अवेलेबल होता है। ये वेब ब्राउजर का फर्स्ट पेज होता है, वेब ब्राउजर का दिस इज द फर्स्ट पेज। देखो यहाँ पे सारा कुछ लिंक होगा, लाइक आपको जाना किधर है, एवरीथिंग इज रिटन है, यहाँ पे देख सकते हो एवरीथिंग इज है। ठीक है, आपका कनेक्शन पॉइंट किधर से किसको बात करना है, एवरीथिंग इज है। ठीक है, ये हुआ वेब पेज का मेन होम पेज। हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक की अगर मैं बात करूँ तो हाइपर लिंक अगर आपने कभी एक्सेल को यूज किया होगा तो एक्सेल में आप एक हाइपर लिंक को ऐड करने का आपको अगर ऑप्शन आता है, ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। जिसपे आप डायरेक्टली क्लिक करोगे ना तो आपको ये न्यू पेज पे ले जाएगा, मतलब उसका डिटेल पेज पे ले जाएगा, दैट इज अ हाइपर लिंक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपर लिंक इज अ एलिमेंट इन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका टिपिकली हाइलाइटेड थ्रू अंडरलाइनिंग ऑफ और अ डिफरेंट कलर, और अ डिफरेंट कलर। मैम और कितना है बाकी, तो बाकी है आई थिंक, मैं ना सोच रही हूँ कि 10:50 तक करते हैं इसको, फिर वी विल एंड द क्लास। ठीक है, 10:50 तक करते हैं, फिर वी विल एंड द क्लास। ठीक है, अब देखो हाइपर लिंक जो होता है ये आपका अलग कलर में होता है। जब भी आप इसे क्लिक करोगे बाय द यूजर, इट कनेक्ट देम टू अनदर एलिमेंट विद द सेम डॉक्यूमेंट एंड रीडायरेक्ट देम टू अनदर डॉक्यूमेंट। जैसे कि मान लो हाइपर लिंक का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, जो आपको पीडीएफ देती हूँ, मैं इस पीडीएफ में ना इमेज लगाती हूँ। इमेज लगाने की जगह मैं क्या करती हूँ, इस इमेज का ना लिंक लगा देती हूँ, लिंक लिंक लगा देते हैं। ठीक है, आप जब पीडीएफ ओपन करोगे तब आपको ये डायरेक्ट लिंक दिखेगा। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये लिंक के हेल्प से आप डायरेक्टली वो इमेज को देख पाओगे, इमेज जो होगा विजिबल होगा। तो ये हुआ आपका हाइपर लिंक को अटैच करना। ये हाइपर लिंक जो है ना, पहले तो ये आपका होता है ब्लू कलर में, ब्लू कलर में। ठीक है, उसके बाद जब आप विजिबल, जब आप देख लोगे ना, विजिट कर लोगे ना, उसके बाद ये हो जाता है पर्पल कलर का, जो बताता है कि आपने ऑलरेडी ये साइट विजिट कर रखा है। वेरी गुड मॉर्निंग युवा, वेलकम टू द क्लास। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं ना सर्च करती हूँ कुछ, लेट सपोज मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ सर्च किया। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में, चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में सर्च। ओके ठीक है, जल्दी से आ जाओ भाई। इन्वेस्टोपीडिया, विकिपीडिया, ये आया। ठीक है, इसमें देख रहे हो आप लोग अलग अलग लिंक वगैरह जैसे डाला हुआ है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो ठीक है, बट अभी अगर और नीचे हम जाते हैं, अगर हाँ अगर और नीचे हम लोग गए तो देखो, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, हाँ ये आपको दिख रहा होगा, है ना, दिस ये दिख रहा है ग्रीन कलर, ब्लू कलर में। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे क्या दूसरे पेज पे लेके जा रहा है, देखते हैं। कांट रीच दिस पेज, तो दूसरा लिंक ओपन करते हैं, प्राइवेट, तो इस पे जाते हैं। देखो एक नया पेज ओपन हुआ, एक नया पेज ओपन हुआ, मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया एक नया पेज ओपन हुआ। नाउ लेट्स गो बैक, देखो इस पेज, इसका कलर चेंज हुआ, पहले ये ब्लू था, अब ये क्या हो गया, पर्पल हो गया। तो ये कलर चेंज होता है, इसका मतलब होता है कि मैंने ऑलरेडी इस पेज पे विजिट कर रखा है। यहाँ पे भी हम लोग गए थे, है ना, यहाँ पे भी हम लोग गए थे। यहाँ पे जाने के बाद ये आया नया पेज, देखो ये भी आपका पर्पल कलर का हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है? हाइपरलिंक में कहीं किसी को डाउट तो नहीं होगा? ओके ओके ओके।
तो ये हुआ हाइपरलिंक के बारे में। ठीक है, इन समरी वी कैन से हाइपरलिंक जो होता है ये हाइलाइटेड एलिमेंट होता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, जिसपे आप क्लिक करते हो, नेविगेट करते हो, दूसरे एलिमेंट मतलब दूसरे डॉक्यूमेंट पे आप विजिट कर सकते हो, दैट इज द हाइपरलिंक। समझ में आ गया? हाँ, उसका दूसरा ओपन हो जाए। ईमेल आई थिंक वी विल डू दिस टुमारो, जल्दी तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि अभी बचा है। अच्छा चलो, ईमेल के बारे में आपको आइडिया होगा ही, ईमेल क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। छोड़ो, इसको नेक्स्ट क्लास में कर, बहुत ज़्यादा हो, आई हैव टू गो समवेयर। चलो ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी तक क्लास में सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कहीं किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। एंड अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड। क्लियर? ओके, वेट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट क्लास। ठीक है चलो, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। एंड मैं क्लास की पीडीएफ अभी प्रोवाइड कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे, टू चेक इट आउट। एंड यस, मेक नोट्स, आज और कोई क्लासेस नहीं होगा, होप सो इवनिंग में आपका पेपर टू का क्लास हो जाएगा, वो भी इको का क्वेश्चंस का होगा। तो पेपर टू के बच्चे बी अवेलेबल, वी विल डू इट एट 9 o'clock मोस्ट प्रोबेबली, अगर टाइम मिलता है मुझे तब। नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगर चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, बिकॉज वी डू पेपर वन एज वेल एज पेपर टू, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ ही साथ पीडीएफ भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ।